चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी यानी कि घिया के कोफ्ते। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। घिया, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अनारदाना, देगी मिर्च, दालचीनी, बेसन, दही, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, सूखा धनिया, लौंग, हल्दी। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने घिया के कोफ्ते। ये घिया हमने लिया है, इसको हमने छील लिया है और धो लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको हमने ऐसे कद्दूकस कर लेना है, सारे घिये को हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये घिया जो है हमने कद्दूकस कर लिया है ऐसे, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमने तकरीबन 3 चम्मच डाल देना है एक घी में। इसमें हम डालेंगे नमक, 1/3 स्पून हमने नमक का डालना है। अनारदाना अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, ये आपके स्वाद के मुताबिक है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची, 1/3 स्पून। धनिया डालेंगे पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं, हम थोड़ा सा मोटा धनिया लेंगे इसके लिए। थोड़ी सी हम काटेंगे हरी मिर्ची, मिर्ची भी अगर आप डालना चाहें तो आप डालिए, ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बैटर जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है, इसके हमने छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए ऐसे हमने बना लिए हैं। अगर आपको लगे कि गैस आपकी थोड़ी तेज़ है तो आप कुछ टाइम के लिए कोफ्ते डालने वक्त अपनी गैस बंद कर लीजिए, अगर तेल आपका अच्छे से गर्म है तो। ऐसे ही हमने बाकी के कोफ्ते बना लेने हैं। गैस हमने चला देनी है, हल्की गैस पे हमने इसको बनाना है। लाल ही हमारे कोफ्ते हो रहे हैं ब्राउन, इसे अभी हम थोड़ा और ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरे कोफ्ते भी बना लेने हैं। ये कोफ्ते अब हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हैं, अब हम ग्रेवी बनाएंगे इसकी। इसके लिए हमने पैन में रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है, कटे हुए प्याज डालेंगे इसमें, ये लहसुन डालेंगे 7-8 तुरियाँ, 2 प्याज लिए हैं हमने मीडियम साइज के, ये अदरक का पीस डालेंगे, 1 हरी मिर्ची डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, 1 दालचीनी का छोटा पीस, 1/2 स्पून। हमने तेज गैस है, हमें इसको सॉटे कर लेना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं हमने डाल लेने हैं इसमें। इसमें हम डालेंगे अब नमक, थोड़ा सा, 1/2 चम्मच हम नमक का डालेंगे, और हम डालेंगे अपना सूखा धनिया, ये बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है, ये हमने 1/2 चम्मच डाल देना है, और इसको हमें ला लेंगे। दो तीन मिनट के लिए हमने इसको ऐसे सॉटे करके इसको फिर हमने गैस बंद कर देनी है, और ठंडा करने के बाद हमने इसको अपने मिक्सी में पीस लेना है, इसकी पेस्ट बना देनी है। अब जो है इसको हम अपने जार में डाल लेंगे।
देखिए सॉफ्ट हो गए हैं टमाटोज, गैस हम बंद कर लेंगे और ये हमने इसको डाल दिया है। इसके साथ ही हम ये जो हमारे पास दही है आधी कटोरी दही हम इसको भी डाल देंगे बीच में और इसको हम मिक्सी में घुमा देंगे और पतली पेस्ट बनाएंगे इसकी। अब ये पैन लेंगे, हमारा मसाला पिस चुका हुआ है, हम लेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे अपना, हमने आधी कड़छी डालना है सिर्फ। इसमें हम डालेंगे अपनी देगी मिर्च आधा चम्मच। देगी मिर्च डालने के बाद हम ये पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, अपने जार में डाल लेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी, तकरीबन एक बड़ा कप पानी का डालना है हमने। और इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है गैस पर। ये ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें अब हम डाल देंगे अपने कोफ्ते और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्की गैस पे ढक कर रख देंगे। ये कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, गैस हम बंद कर देंगे और इसको हम अपने बोल में डालेंगे। इसकी ग्रेवी हमने बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है क्योंकि ये पड़े पड़े भी ग्रेवी सोख कोफ्ते कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। कोफ्ते हमने डाल दिए अपने सर्विंग बोल में, अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको हम ऐसे तंदूरी फुलके के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। आप मेरी रेसिपी से बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।